आज की बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है, ये कर दिखाया है राजकीय महाविद्यालय और नूरपुर स्पोर्ट्स क्लब की खिलाड़ी सौमी और प्रियंका ने। दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में इन दोनों महिला खिलाड़ियों ने अपने अपने वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल नूरपुर क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। सौमी और प्रियंका की इस उपाधि पर पूरे क्षेत्र में उल्लास का माहौल है। आज की बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है, ये कर दिखाया है राजकीय महाविद्यालय और नूरपुर स्पोर्ट्स क्लब की खिलाड़ी सौमी और प्रियंका ने। दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में इन दोनों महिला खिलाड़ियों ने अपने अपने वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल नूरपुर क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। सौमी और प्रियंका की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में उल्लास का माहौल बना हुआ है। मिक्स मार्शल आर्ट बहुत ही खतरनाक खेल माना जाता है, जो कुश्ती, जूडो और बॉक्सिंग खेल का मिश्रण है। यही कारण है कि इस खेल में जान का भी जोखिम रहता है, लेकिन इस खतरनाक खेल में इन गांव की बालाओं ने स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र से भी अगर लड़कियों को बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए तो जरूर प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की इस ऊंची उड़ान को पंख दिए हैं राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत अमित राणा ने, जिन्होंने हजारों रुपए खर्च कर इन लड़कियों को प्रशिक्षित किया और वो आज प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। अमित राणा के पास लगभग 40 छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेते हैं और वो निशुल्क इन बच्चों को प्रशिक्षण कर उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। कोच अमित राणा ने इन दोनों छात्राओं की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस प्रकार से इन दोनों खिलाड़ियों ने पसीना बहाया था, उससे इनकी जीत सुनिश्चित थी। राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब इनका अगला लक्ष्य वर्ल्ड क्वालिफायर के लिए तैयारी करना है। उन्होंने कहा कि उनकी एक खिलाड़ी सौमी इंटरनेशनल स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार इन दोनों खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है, उसके बाद वो देश का नाम भी जरूर रोशन करेंगी। बच्चों ने खूब सारी प्रैक्टिस की हुई थी और रिजल्ट भी अच्छे रहे। जैसे प्रियंका का जो लाइट वेट था 48 kg एटम वेट जो कैटेगरी में आता है, तो उसने जो फर्स्ट बाउट थी उसकी महाराष्ट्र के साथ थी, तो उसने वो फर्स्ट राउंड में ही ख़त्म कर दी। सेकंड जो उसकी बाउट थी वो हरियाणा के साथ थी, तो वो वहाँ पे उसने 3 राउंड खेले पूरे, तीसरी राउंड में जाके वो जीती। और जो फाइनल उसका केरला के साथ हुआ, वो उसने फर्स्ट राउंड में ही जूडो को मुंह लगा के ख़त्म कर दिया, सामने वाले को होल्ड करके समीशन लगा के कर दिया। अच्छा, भविष्य में आगे किस प्रकार की तैयारी है, जब बच्चे आगे भी जाएंगे? सर आगे वर्ल्ड क्वालिफायर है, उसमें तैयारियां कर रहे हैं और सौमी जो है वो आगे तक जाएगी। उसकी जो जिस हिसाब से स्टैमिना और जिस हिसाब से उसने वहाँ पे टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया, हर कोई उसका फैन बन गया था, क्योंकि उसने सारे जितने भी 3 मैच हुए उसके, ठीक है, उसने अपने से ज़्यादा वेट के खेले, क्योंकि जो वेट कैटेगरी थी उसमें बीच में फ़र्क था 7 kg का, तो जो सबसे कम 53 और 59 में कितना फ़र्क हो सकता है आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए। लेकिन अगर 59 की kg के खिलाड़ी को हरा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि हम वर्ल्ड क्वालिफायर भी जीतेंगे। अच्छा, ये कब हो रहा है वर्ल्ड क्वालिफायर? जल्दी उसकी डेट अनाउंस हो जाएंगी,